खतरनाक दिख रही है, अगर बंदा कोई इसको दूर से देख लेना गाइस तो उसकी तो यानी रंग बदलता गिरगिट को। इसके सामने आप कोई भी चीज रख लो गाइस, इसकी जबान देखो इतनी, देखो यार इसका एक फायर इसके मुंह में आ चुका है और इसको बहुत जोरदार तरीके से काटे जा रहा है। वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी, मेरा नाम है रहन। आज की वीडियो में भाई एकदम यूनिक चीज की अपन अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाले हैं। ये है रिमोट कंट्रोल से चलने वाली लिजर्ड यानी कि रिमोट कंट्रोल छिपकली। बड़ी खतरनाक चीज है गाइस ये, इसको यूज करके अपन किसी के साथ भी काफी खतरनाक वाले प्रैंक्स वगैरह कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। दोस्तों इस छिपकली को मैंने खरीदा है हैमलिस से। अगर आप भी इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका बाय लिंक दे दिया। तो भाई इसके अंदर बहुत सारे मोड्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। ये जो छिपकली के साथ हम लोग क्या क्या करा सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें दी गई है। जैसे कि ये जो छिपकली है भाई सुपर रियलिस्टिक है, फास्ट मूविंग विद साउंड्स के साथ आ जाती है। 4 मोड्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसको रिमोट से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, हैंड जेस्चर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर इसके अंदर अपने को देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस यहाँ पे 2599 लिखा है, पर आप हैमलिस पे इसको खरीदोगे तो तकरीबन आपको 1400 रुपीस में आपको मिल जाएगा। चलो फटाफट से अपन बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं भाई इसकी क्वालिटी कैसी है। ओ माय गॉड क्या खतरनाक सी छिपकली है यार इस बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले इसको ही निकाल लेते हैं। देखने में भाई बिल्कुल एक रियलिस्टिक ड्रैगन छिपकली की तरह दिखाई दे रही है। ओ भाई बड़ी खतरनाक है यार ये तो, क्वालिटी एक नंबर लग रही है भाई। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में, ये छिपकली क्या क्या कर सकती है सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल भी आज की वीडियो में करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर है इसका रिमोट कंट्रोलर, यार रिमोट निकल ही नहीं रहा है, ये निकल गया। देखो गाइस रिमोट भाई बहुत ही ज्यादा सिंपल है, यहाँ पर 2 बटन अपने को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर 2 बटन है, यहाँ से ऑन ऑफ करने का स्विच है, ऊपर इंफ्रारेड की लाइटें वगैरह दी गई है, पीछे बैटरी कंपार्टमेंट है। इसके अंदर और क्या है देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर इसके कुछ पेपर्स दिए हुए कि इस छिपकली को अपने को किस तरह से चलाना है। यहाँ पर मेरे को कोई भी रिचार्जेबल बैटरी नहीं मिली है गाइस, इसका मतलब ये है कि अपने को इसके अंदर बैटरीज वगैरह डालना पड़ता है। तो चलो फटाफट से इसके अंदर बैटरी डालते हैं अभी। सबसे खास चीज इसकी देखो यार, यहाँ पर इसकी ये जो गिल्स है ना भाई, हम लोग रिमोट कंट्रोल से भी पूरी तरीके से इस तरह से खोल सकते हैं। यहाँ पर क्लॉथ दिया हुआ है, बहुत ही खतरनाक वाले प्रैंक भी कर सकते हैं गाइस इस ड्रैगन छिपकली को लेकर। यहाँ पर IR सेंसर दिया हुआ है, यहाँ पे हैंड डिटेक्शन सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पे इसके आईज है। आप चाहे तो इसका माउथ इस तरह से ओपन भी कर सकते हो, जैसे इसका माउथ ओपन होता है इसके ये जो गिल्स है ना भाई इस तरह से ओपन भी हो जाते हैं। इसको हम लोग यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, देखो यार मैंने ऑन कर दिया है, इसके अंदर बैटरी भी मैंने डाल दी थी। इसको जैसे ही मैंने ऑन किया यहाँ पर देखो भाई बहुत ही रंग बिरंगी LED लाइट्स इसके अंदर अपने को देखने को मिल रही है। तो भाई ये है इसके लेग्स, इस लेग्स के सहारे ये क्रॉल करने लगती है। नीचे की तरफ अपने को यहाँ पर 3 व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, इन व्हील्स के सहारे भी इसका बैलेंस वगैरह सही बना हुआ रहता है। जैसे हम ऊपर से देखते हैं ना भाई सिर्फ 2 ही बैटरीज नजर आती है, तो भाई नीचे देखो टोटल इसके अंदर 4 AAA बैटरी अपने को डालनी पड़ती है तभी जाकर इस छिपकली को हम लोग ऑन कर सकते हैं। ये एक ड्रैगन छिपकली है यानी कि सिर्फ हम लोग इसको जमीन पर ही चला सकते हैं। अभी देखो गाइस इसके ये जो फिन्स है ना भाई ये 2 बटन दबाने पर कंट्रोल होते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे छोटा सा डेमो मैं आपको नीचे भी चला के दिखा देता हूँ भाई ये कितनी खतरनाक दिखाई देती है। ये देखो यार, ओ भाई क्या ही डेंजरस चीज है यार ये, आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है भाई साहब। यहाँ पर मैंने रख दिया है मेरे रेप्टाइल्स का कलेक्शन। तो भाई आपको पता ही होगा मेरे पास ये एक चमेलियन है यानी कि रंग बदलता गिरगिट, इसकी वीडियो आपने रिसेंटली देखी होगी, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया था। इसकी भी फाइट आज हम इसके साथ कराने वाले हैं, देखते हैं भाई ये इसको हरा पाता है कि नहीं। तो भाई ये तो पता होगा अपना एक किंग कोबरा है, बड़ा ही डेंजरस किंग कोबरा यार, इसने तो सारे के सारे किंग कोबरा को परसों हरा डाला था, इसकी भी वीडियो आपने देखी होगी। तो भाई ये है अपनी सबसे ज्यादा डेंजरस चीज, ये है एक वेलोसिराप्टर डायनासोर, और बड़ी खतरनाक चीज है भाई। जब ये चलता है ना तो बिल्कुल एक रियल डायनासोर की तरह ही दिखाई देता है। सबसे पहले दोस्तों अपनी लिजर्ड को अपन इंडोर में चला के देख लेते हैं। यहाँ पे फ्लैट सरफेस होने के कारण बहुत ज्यादा स्मूथ चल जाती है, रिमोट भी काफी सही तरीके से इसका काम कर रहा है, आगे पीछे इसको आप सही तरीके से चला सकते हो। पर इसके अंदर ये दिक्कत लगी मेरे को कि आप इसको लेफ्ट को या फिर राइट को सही तरीके से टर्न नहीं कर सकते हो। तो भाई काफी सही तरीके से चल जाती है इंडोर में, और भाई इसके जो फैंग्स है ना बड़े ही खतरनाक दिखाई देते हैं, और ये पूरी तरीके से अटैकिंग मोड में होती है जैसे आप इसके सामने जाते हो। इसको मैंने अभी एक पेड़ पर रख दिया है, भाई देखो क्या ही खतरनाक दिख रही है, अगर बंदा कोई इसको दूर से देख लेना गाइस तो उसकी तो एकदम लग जाएगी।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो अपने वेलोसिराप्टर का भी दिखा देता हूँ। ये वेलोसिराप्टर इंडोर में तो काफी सही तरीके से चल जाता है और भाई रोड पर भी आप चाहे तो इसको चला सकते हो। देखो यार क्या लेफ्ट राइट करते हुए चला जा रहा है। और भाई ये रोड पर चला लो, आप इसको कहीं पर भी चला लो, बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरता है। अभी यहाँ पे दोनों की फाइट होने वाली है, वेलोसिराप्टर और लिजर्ड की। देखते हैं भाई कौन जीतेगा। दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं मेरे को और भाई दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है और लिजर्ड ने भाई इसको डॉच करके नीचे गिरा दिया। यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी लिजर्ड। राउंड टू में कौन जीतेगा, अभी अपने वेलोसिराप्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है भाई। इसने इसके हाथ पकड़कर देखो भाई पीछे पूरी तरीके से ढकेल दिया। अभी इसको आगे ही बढ़ने नहीं दे रहा है। तो राउंड टू में क्लियरली विनर है अपना वेलोसिराप्टर। दोस्तों अभी करते हैं दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर। देखते हैं भाई यहाँ पे कौन जीतेगा। दोनों के बीच में रस्सी बांध दिया मैंने, चलो स्टार्ट करते हैं। और भाई यहाँ पे वेलोसिराप्टर ने इसको काफी सही तरीके से खींचा था भाई, बैलेंस आउट होने के कारण ये नीचे गिर चुका है। तो भाई यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी लिजर्ड। तो अभी फटाफट से अपना किंग कोबरा भी मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद इसकी फाइट कराएंगे गाइस। देखो किंग कोबरा भाई इंडोर में काफी सही तरीके से चलता है और बहुत ज्यादा रियलिस्टिक भी दिखाई देता है। तो किंग कोबरा का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। तो चलो गाइस अभी इसकी फाइट कराते हैं लिजर्ड के साथ, देखते हैं किंग कोबरा इसको हरा पाता है कि नहीं। भाई साहब लिजर्ड को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है और इसको एक घसीट के लेके जा रही है। और भाई लिजर्ड देखो इसके ऊपर चढ़ के बैठ चुकी है और भाई लिजर्ड ने इसको पूरी तरीके से हरा डाला है। लिजर्ड की किंग कोबरा की रेस कराते हैं भाई, देखते हैं रेस में कौन जीतेगा। आपको पता ही होगा किंग कोबरा बहुत ज्यादा फास्ट होता है, रेसिंग के मामले में इसको कोई भी हरा नहीं सकता है, क्लियरली जीत चुका है लिजर्ड से। दोस्तों अभी अपन टेस्ट करते हैं अपनी चमेलियन को यानी रंग बदलता गिरगिट को। इसके सामने आप कोई भी चीज रख लो गाइस, इसकी जबान देखो इतनी ज्यादा बढ़िया है, दूर से ही सारी चीजें लपक के खा जाता है। अभी कराते हैं दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं भाई यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि काफी ज्यादा कांटे की टक्कर होने वाली है। चमेलियन ने भाई इसके ऊपर जबान से अटैक कर दिया है। अभी लिजर्ड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका है, ये इसको काटने के लिए दौड़ रही है। यहाँ पर लिजर्ड को पता नहीं क्या हो चुका है, देखो गाइस चमेलियन ने इसके ऊपर पूरी तरीके से अटैक कर दिया है। लिजर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा है, देखो यार इसका एक पैर इसके मुंह में आ चुका है और इसको बहुत जोरदार तरीके से काटे जा रहा है। अभी यहाँ पर क्लियरली जीत चुका है अपना रंग बदलता गिरगिट। दोस्तों यहाँ पर अभी अपन एक काम करते हैं, दोनों के बीच में रस्सी बांधी है, चलो दोनों के बीच में तकोफा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भाई लिजर्ड वापस से हार चुकी है, क्लियरली जीत चुका है अपना रंग बदलता गिरगिट। देखो भाई इसको पूरी कोशिश कर रही है खींचने के लिए पर यहाँ पर खींच नहीं पा रही है, इतनी ज्यादा पावर है नहीं लिजर्ड के अंदर। दोस्तों फटाफट से लाइट टेस्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे यह है अपनी लिजर्ड, इसके देखो यार आंखों में और इसके सर के ऊपर इतने रंग बिरंगे एलईडी लाइट्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने चमेलियन यानी कि रंग बदलते गिरगिट के अंदर तो भाई साहब 9 कलर्स देखने को मिल जाते हैं। ये अपने कलर्स बहुत ही मस्त तरीके से बदल सकता है। ये दोस्तों अपना वेलोसिराप्टर, इसके मुंह के अंदर रेड कलर की लाइट आती है भाई, ऐसा लगता है कि ये अपने मुंह से आग उगल रहा है। अपने किंग कोबरा के मुंह के अंदर भी एक रेड कलर की लाइट आती है भाई, बड़ा ही डेंजरस दिखाई देता है अपना किंग कोबरा नाइट में। दोस्तों भी करते हैं एकदम फाइनल वाला टेस्ट। यहाँ पर लिजर्ड को मैंने रोड पर रख दिया है, शायद ही गाइस ये रोड पर चलेगी क्योंकि यार बहुत ज्यादा अटक अटक कर चलती है। ये जो लिजर्ड है सिर्फ इंडोर में चलने के लिए ही बनाई गई, अगर आप इसे खरीदते हो तो सिर्फ इंडोर में ही चलना। दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इतने सारे रेप्टाइल्स में से कौन सा रेप्टाइल अच्छा लगा, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बता देना। आज देखते हैं भाई किसको किसको मिलेगा शाउट आउट। यहाँ पे मैं 10 लोगों को शाउट आउट देने वाला हूँ। सबसे पहला नाम आ जाता है फनिंदू कुमार, इमरान, एरन, अंशु, फिरोज, जोसेफ, वैभव, आर्यन, युवराज, कादिर अली। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।